हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एलजेब्रा के एग्जाम में आ सकते हैं। उससे पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और उसको सॉल्व करने को बोला गया है, बट हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है इनके रूट्स क्या हैं आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में। तो जब भी आपको रूट्स को एपी में दे दिया जाएगा तो आपको पहला रूट मानना पड़ेगा अल्फा माइनस आर, अल्फा और अल्फा प्लस आर। अगर क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके यानी एपी में आपके रूट्स दिए हुए हैं तो रूट्स को आपको अल्फा माइनस आर, अल्फा अल्फा प्लस आर मानना पड़ता है, बिकॉज एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और इन तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो पहले हमको अल्फा माइनस आर मानना पड़ेगा, फिर अल्फा मानना पड़ेगा, फिर अल्फा प्लस आर मानना पड़ेगा। फिर जैसे कि आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो इसमें तीन रूट्स है, तो ये रूट्स यहाँ पर लिखा, प्लस ये रूट लिखा, प्लस ये रूट लिखा, सम ऑफ रूट कर दिया, माइनस बी बाई ए। तो माइनस का साइन लगा, बी ए है और ये बी है और ए वन है मेरा, तो बी बाई ए की वैल्यू कितनी देगी, माइनस का ये साइन माइनस का यहाँ पर है और यहाँ पर आएगा माइनस का ट्वेल्व बाई वन, तो माइनस माइनस प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का बी बाई ए की वैल्यू रहेगी बारह, बारह इसकी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस बारह इसकी वैल्यू जाएगी। यहाँ पर देखो क्या होगा, आर से आर कटेगा और अल्फा 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 कितना अल्फा, थ्री अल्फा हो जाएगा, तो थ्री अल्फा इक्वल टू ट्वेल्व आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू चार आ जाएगी। तो आपने इस अल्फा की वैल्यू चार निकाल दी, इस अल्फा की वैल्यू, इस अल्फा की वैल्यू और इस अल्फा की वैल्यू चार निकाल दिए। अब आपको सिर्फ इस आर की वैल्यू निकालनी है, अगर आप आर की वैल्यू निकाल देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया, यानी कि इस रूट को पहले इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, फिर इस रूट को इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, और इस रूट को इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, जो कितना होता है, कितना होता है, सी बाई ए होता है। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया आपका और ये डी हो गया आपका, ठीक है ना। तो जब जो आपका सिग्मा अल्फा बीटा होता है, यानी कि इस रूट को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, उसका जो वैल्यू आती है वो आती है सी बाई ए, तो 39 बाई 1 आएगी, 39 बन जाएगा ये। सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ इन दोनों को ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना ली हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें हमारा देखो अल्फा गामा से अल्फा, अल्फा आर से अल्फा आर कट रहा है और अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, थ्री अल्फा स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे माइनस का आर स्क्वायर इक्वल 39 बन रहा है। जो पीछे इक्वेशन लिखी थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर से, और यहाँ से मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 39 निकल के आएगी। फिर यहाँ से मेरे को अल्फा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है 4, तो अल्फा की वैल्यू 4 रख देंगे यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 48 में 39 माइनस का 9 मिल जाएगा, और आर के लिए प्लस माइनस 3 आ जाएगा। आप कोई भी एक वैल्यू ले, प्लस 3 ले लो और माइनस 3 भी ले सकते हो। तो हमारे पास रूट्स क्या थे, हमारे पास रूट्स थे जो कि एपी में थे, वो क्या थे, अल्फा अल्फा माइनस आर और अल्फा प्लस आर थे। अब अल्फा की वैल्यू भी आपने निकाल दी, कितनी अल्फा की वैल्यू थी 4 आपके पास और आर की वैल्यू 3 आ गए, तो रख दो उनको। अल्फा की वैल्यू पहले क्या होगी, 4 होगी, फिर 4 माइनस 3 और फिर 4 प्लस 3, तो इस तरह से हो जाएंगे। देखो ये अल्फा है, ये अल्फा माइनस आर है और ये अल्फा प्लस आर है, तो ये 4 हो गया, 4 में 3 कम करो कितना आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 1 4 7। इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का, इसके बीच कितने का डिफरेंस, 3 का। तो ये रूट्स जो है क्या है, एपी में है और यही हमारा क्या आंसर है। क्वेश्चन भी ये कह रहा था जो रूट आने चाहिए किसमें आना चाहिए, एपी में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 70x² प्लस 120x प्लस 64 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फोर्थ पावर वाली इक्वेशन है और रूट इसमें क्या है, जीपी में, यानी ज्योमेट्री के प्रोग्रेशन में रूट्स दिए हुए हैं और आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ये एक फोर्थ पावर की इक्वेशन है, तो फोर पावर की इक्वेशन होने की वजह से रूट 4 होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स होंगे। तो जब भी आप रूट जब जीपी में होते हैं तो क्या होता है, पहला रूट और लास्ट रूट का प्रोडक्ट जो होता है इन दो के रूट के इक्वल होता है। तो यानी कि अल्फा को डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे या बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू मिलेगी आपको, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस का 15/1 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। फिर सम अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा एंड फिर डेल्टा अल्फा बीटा, ये लिखा हुआ है। कितना होगा, माइनस का सी बाई ए होगा, तो सी बाई माइनस का डी बाई ए होगा, तो डी बाई ए कर देंगे इसको, ये आपका ए बी है, ये सी है डी है, माइनस का डी बाई ए कर देंगे, तो 120 आ जाएगा माइनस का। फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे सबका, तो प्रोडक्ट में जाएगा ई बाई ए, ये ए है बी है ये सी है डी है, ई बाई ए आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ पावर वाली इक्वेशन इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इन रिलेशन की हेल्प से हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बना दिए। ये 3 इक्वेशन है और ये 4 इक्वेशन है। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सॉल्व करना है। ये हमारी 1 इक्वेशन है और ये हमारी 3rd इक्वेशन है, यानी कि हमें क्या करना है,
अल्फा डेल्टा के इक्वल करना है बीटा गामा के। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट तो एजिटिज रखा गया है, यहाँ पर एजिटिज रखा गया है, और यहाँ पर यहाँ पर बीटा गामा की जगह हमने अल्फा डेल्टा रख दिया। यहाँ पर देखो अल्फा डेल्टा रख दिया बिकॉज दोनों इक्वल है रिलेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग। फिर करा देखो क्या, अल्फा डेल्टा कॉमन आ रहा था, अल्फा डेल्टा कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा बीटा, यहाँ बचेगा गामा, यहाँ बचेगा डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा को ऐड कर दिया और ये कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू 120 आ गई। अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है, -15 है। तो इसके बदले -15 रख देंगे हम, इसके बदले क्या रख देंगे, -15 रख देंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे -15 में रख दिया, तो माइनस से माइनस काटेंगे तो 15 से 8 बढ़ कर जाएगा 120, तो अल्फा डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। और अगर मैं आपको बता दूं कि जो अल्फा डेल्टा की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, वही बीटा गामा की वैल्यू भी होगी। तो अल्फा डेल्टा की जगह मैं बीटा गामा रख दूंगा यहाँ पर, यानी कि बीटा गामा ले लो चाहे अल्फा डेल्टा ले लो, उनकी वैल्यू 8 ही आने वाली है। फिर मैंने लेट कर लिया कि अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू m है और बीटा प्लस गामा की वैल्यू n है, और हमने इस क्यूब जो हमें गिवन में क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी इसके चार रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। फिर करना क्या हमको, हमको अल्फा और डेल्टा वाले को साथ लिखना है, यानी कि इस अल्फा वाले को और इस डेल्टा वाले को साथ लिखना है, बिकॉज ये जो होंगे क्या होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा हो जाएगी। और फिर इन दोनों के जो रूट बनाएंगे उस इक्वेशन को यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा यहाँ लिख दिया गया। फिर मैंने देखो यहाँ पर अल्फा प्लस डेल्टा को एम माना, तो यहाँ पर अल्फा प्लस डेल्टा की जगह एम आ गया, और अल्फा डेल्टा की जो वैल्यू वो 8 है तो यहाँ पर 8 रख दिया। सिमिलरली बीटा प्लस गामा की वैल्यू को हमने एन माना हुआ, यहाँ पर एन आ गया, और बीटा गामा को हमने 8 माना हुआ, मतलब बीटा गामा हमारा 8 है तो यहाँ पर 8 रख दिया हमने। फिर हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद पावर को एडजस्ट किया, यानी कि एक्स की पावर 4 वाले टर्म को यहाँ लिखा, क्यूब को यहाँ लिखा, एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखा, एक्स को यहाँ लिखा, और विदाउट एक्स वाले को यहाँ लिख दिया। अब हमें इसे क्वेश्चन कंपेयर करना है, कंपेयर करने का मतलब ये है, देखो जो एक्स क्यूब का कोफिशियंट है 15 है, और यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशियंट माइनस का एम प्लस एन है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर कोफिशियंट यहाँ पे 70 है, यहाँ पे कितना है 16 प्लस एम एन है, तो 70 और 16 प्लस एम एन इक्वल हो जाएंगे, और 120 जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का 8n प्लस 8n के इक्वल होगा। और नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा हुआ है रिलेशन बना के लिखा हुआ है इनको, देखो माइनस का एम प्लस एन 15 और एम एन प्लस 16 70। तो यहाँ से अगर मैं माइनस को उधर भेजूँ तो मुझे एम प्लस एन की वैल्यू माइनस 15 मिल जाएगी, और यहाँ से अगर मैं एम एन निकाल लूँ एम एन, तो 16 को मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो एम एन की वैल्यू 54 मेरे पास आ जाएगी एम एन की वैल्यू। और फिर इस इक्वेशन का यूज हम नहीं करेंगे थर्ड वाली का, इन दोनों से काम चल जाएगा हमारा। अब देखो ध्यान से, m और n क्या है, मान लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे हम t स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो m प्लस n, m प्लस n जो है वो कितना, माइनस 15 हमारे पास है, तो यहाँ पर माइनस 15 अगर हम रख दें तो माइनस माइनस प्लस का 15 यहाँ पर हो जाएगा, और एम एन की जो वैल्यू है, एम एन की वैल्यू 54, तो यहाँ पर हम 54 रख देंगे। फिर इसको हम फैक्टर कर देंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर कर देंगे, इस इक्वेशन फैक्टर करने के बाद हमको टी की दो वैल्यू मिलेगी, 6 माइनस 6 और 9। बट इसके रूट क्या हो सकते हैं, m और n हो सकते हैं, बिकॉज m और n इसके रूट हमने स्टार्टिंग में मान रखे हैं, तो उसका मतलब जो ये वैल्यू निकल गया इसमें से एक m है और इसमें से एक n है। तो माइनस 6 को हमने m मान लिया और माइनस 9 को हमने n मान लिया। अब किसी को भी m मान सकता है, किसी को भी n मान सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने माइनस 6 को क्या मान लिया, m मान लिया है, और माइनस 9 को n मान लिया है। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमारे पास क्या, हमने m माना था अल्फा प्लस बीटा को स्टार्टिंग में, अल्फा प्लस डेल्टा को m माना था हमने यहाँ देखो, और n माना था हमने बीटा प्लस गामा को। तो अल्फा प्लस डेल्टा की जगह हमने m की जगह अल्फा प्लस डेल्टा लिखा हुआ है हमने, और n की जगह बीटा प्लस गामा लिखा हुआ है। फिर हमने माना कि अल्फा डेल्टा अगर किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा एक्स प्लस अल्फा डेल्टा हो जाएगी, जिसमें अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमको पता है माइनस 6 है, तो यहाँ पर माइनस 6 रख दिया अल्फा प्लस डेल्टा की जगह पर, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6x बन जाएगा, प्लस का 6x यहाँ पर लिखा हुआ है, और अल्फा डेल्टा की वैल्यू 8 है, हमने स्टार्टिंग में निकाल दी थी अल्फा डेल्टा की वैल्यू 8, यहाँ देखो अल्फा डेल्टा 8 है, तो उसकी जगह पर हमने 8 रख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको फैक्टराइज किया, यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमने मान लिया कि बीटा गामा भी क्या है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं हम, इसमें बीटा और गामा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, बीटा गामा का सम जो है वो कितना है, माइनस 9 है, तो यहाँ माइनस 9 रखने पर ये बन जाएगा प्लस का 9, यहाँ माइनस 9 रखोगे जवाब तो माइनस माइनस प्लस का 9 बन जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बीटा गामा की जो वैल्यू वो 8 है, पीछे देख लो आप लोग, तो यहाँ पे 8 रख दिया इसकी जगह, फिर ये इसके भी फैक्टर कर दिया हमने, फैक्टर करने के बाद हमने यहाँ से भी दो वैल्यू निकाल दी, एक मिलेगी -1 एक मिलेगी -8, तो यानी कि x की चार वैल्यू मिल गई हमको, -1 -8 -2 -4, तो उनको यहाँ पर लिख दिया हमने -1 -2 -4 -8, यही तुम्हारे ऐसे रूट्स होंगे जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे, देख लो इनका कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, यानी कि अगर मैं -2 को -1 से डिवाइड करूँ 2 आ रहा है,
माइनस चार को माइनस दो से डिवाइड करो तो भी दो आना चाहिए, और माइनस आठ को माइनस चार से डिवाइड करने पे भी दो आना चाहिए। तो यानी कि सेम कॉमन रेशियो इसका मतलब है जीपी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें क्या देखा, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है और इसमें बोला गया कि जो रूट्स है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो वही हमने लगाया, पहले सम ऑफ रूट्स निकाल दिया इसमें, तो जो कि माइनस का बी बाई ए हो जाएगा, फिर हमने अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा जो कि क्यू बाई वन हो जाएगा, और फिर तीनों का प्रोडक्ट जो कि माइनस का आर बाई वन हो जाएगा। तो तीन इक्वेशन हमने बना ली। उसके बाद देखो, अगर हमें दिया हुआ है किसके रूट्स यानी कि अल्फा बीटा गामा अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो इनका जो रेसिप्रोकल होता है यानी अल्फा का रेसिप्रोकल 1 बाय अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1 बाय बीटा, और गामा का रेसिप्रोकल 1 बाय गामा, वो एपी में होना चाहिए। यानी अगर आपको दिया हुआ है इक्वेशन के रूट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उन रूट्स का अगर हम रेसिप्रोकल निकालना तो वो एपी में होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। उसका मतलब 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा जो एपी में हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है, एचपी में है। ठीक है, अब आपने एपी की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, ये एक एपी है। अगर आप मिडिल टर्म को उठाएं तो मिडिल टर्म क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। 5 + 1/2 करो तो 6/2, 3 निकल के आता है। तो यानी कि एपी की प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो क्या होता है एवरेज होता है वो सेकंड टर्म के इक्वल होता है, या फिर एन टर्म्स और एन प्लस टू टर्म का जो सम होता है का जो एवरेज होता है वो ए एन प्लस वन के इक्वल होता है। यानी कि मिडिल टर्म का जो इक्वल जो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो मिडिल टर्म के इक्वल होता है। ऐसा भी याद कर सकते हैं, 1/α और 1/γ करो एवरेज होगा 1/α + 1/γ/2, वो 1/β के इक्वल होगा। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/α + 1/γ 2/β निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे तो अल्फा गामा यहाँ पे ऊपर, गामा यहाँ पर निकल के आ जाएगा रिलेशन हमारे पास। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पेज में लिख दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया। फिर उसके अगर हमने नेक्स्ट रिलेशन उठा लिया यहाँ से, क्यू वाला ये रिलेशन उठा दिया हमने, इसको लिखा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा गया। इसमें क्या करना है, हमने बीटा गामा और अल्फा बीटा के बारे 2 ये रख देना है, तो इन दोनों की जगह उठाकर हमको इसको रख देना है, तो बन जाएगा 2 गामा अल्फा और ये जड़ी उतर जाएगा यहाँ पर। फिर ये 2 गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा 3 गामा अल्फा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो गामा अल्फा क्यू बाई 3 आ जाएगा। अब देखो गामा अल्फा क्यू बाई 3 मिल गया, ये इक्वेशन 4 है, उसको इक्वेशन 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आर है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आर को डिवाइड कर दिया गामा अल्फा इक्वल टू क्यू बाई 3 से, तो क्या होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, गामा से गामा कटेगा, तो यहाँ बचेगा बीटा और यहाँ रहेगा 3 ऊपर जाएगा तो 3 आर बाई क्यू आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर बीटा क्या है, गिवन इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी गिवन इक्वेशन में हम बीटा रख सकते हैं, बिकॉज बीटा क्या, देखो अल्फा बीटा गामा रूट है तो इसका मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी एक्स के बदले बीटा रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बीटा क्यूब, ये बीटा स्क्वायर और ये बीटा, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन पर लिखी हुई इक्वेशन देखो, बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर, यहाँ पे एक्स के बदले बीटा रख दिया गया है। अब जब बीटा की वैल्यू अपने निकाली है 3r/q, उसको यहाँ भी रख दो, इसको यहाँ भी रख दो, इसको यहाँ भी रख दो, यानी बीटा की जगह रख दो, तो बीटा की जगह पर 3r/q रख दिया गया है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। उसके बाद 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, आर का क्यूब यहाँ पे लिखा है, क्यू का क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर एंड क्यू का स्क्वायर, यहाँ से क्यू कटेगा तो ये 3r हो जाएगा यहाँ पर, और 3r में से 1r कम करेंगे तो 2r बचेगा। यहाँ पर थोड़ा इनको अरेंज कर दिया गया है, जैसे कि इसको मैंने 9 को पहले लिख दिया, p को बाद में लिख दिया, r को बाद में, q उसका अलग दिया। फिर यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने का मतलब है क्यू क्यूब बनाना, यहाँ पर क्यू स्क्वायर था तो मैंने क्यू से मल्टीप्लाई, क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, यहाँ क्यू क्यूब से मल्टीप्लाई एंड क्यू क्यूब से डिवाइड कर दिया, क्या बेस सेम हो गया, ऐसा करने से बेस सेम हो गया तो एलसीएम यही निकल के आ जाएगा, फिर क्यू क्यूब इस एलसीएम को जीरो कर देंगे तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास यहाँ पर, यानी कि बन जाएगा 27r³ माइनस का 9pqr² प्लस का 2r³³ इक्वल टू जीरो बनेगा। इसमें से हम r कॉमन ले लेंगे, r कॉमन ले लेंगे, r कभी जीरो हो नहीं सकता, तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो 27r² माइनस 9pqr प्लस 2pqr, यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन यही है जो हमें चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कंडीशन दैट, पिछले वाले क्वेश्चन में भी फाइंड द कंडीशन था, तो फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज r इन जीपी। देखो यहाँ पे भी जीपी में क्वेश्चन है रूट्स हमारे, पर यहाँ पर ध्यान रखना क्यूबिक इक्वेशन है, तो जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दी हो और जीपी में रूट्स हो तो मैं क्या मानने हैं, अल्फा बाई आर, अल्फा अल्फा आर, और एपी में हो तो अल्फा माइनस आर, अल्फा अल्फा प्लस आर, एपी में ये मानेंगे और जीपी में ये मानेंगे, जब क्यूबिक इक्वेशन उसी केस में 4th पावर के इक्वेशन होगी फिर कुछ और बात हो जाएगी। ठीक है, अब बोला कि इनका हम पहले प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, पहला रूट मल्टीप्लाई बाय दूसरा रूट मल्टीप्लाई बाय तीसरा रूट, माइनस का डी बाई ए होता है तो माइनस का डी बाई ए कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ से क्या होगा, देखो
गामा गामा कटा, अल्फा 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 बन गया अल्फा क्यूब माइनस डी बाई हो गया, इसे इक्वेशन वन मान लिया। अब अल्फा क्या है, इक्वेशन का रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जहां पर एक्स है वहां पर अल्फा रख दो, यहाँ पर आएगा अल्फा क्यूब, यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर आएगा अल्फा, और पूरी इक्वेशन ऐसे उतार देंगे। फिर करना क्या हमको, इस अल्फा क्यूब की वैल्यू इस अल्फा क्यूब को जगह रख देनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से अल्फा को हटाना है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर अल्फा क्यूब के बदले ही रख देंगे हम, बाकी पूरी इक्वेशन का एजिटिव उतारेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो, बाकी इक्वेशन ऐसी उतारी हुई है, यहाँ पर अल्फा क्यूब के बदले माइनस डी वाई रख दिया, ए से ए कटा तो माइनस डी बना, और माइनस डी से प्लस डी कट गया तो बचा थ्री बी अल्फा स्क्वायर, यहाँ बचा थ्री सी अल्फा, यहाँ थ्री अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी अल्फा, यहाँ बचेगा प्लस सी, तो इसको जीरो कर देंगे, तो बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी अल्फा इक्वल टू माइनस सी, दोनों साइड क्यूब करोगे तो बी क्यूब अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस सी क्यूब। यहाँ से अब फिर से हम अल्फा क्यूब की जगह वैल्यू रख सकते हैं अल्फा क्यूब की, जो कि कितनी है, माइनस का डी बाई ए है, तो अल्फा क्यूब की जगह फिर से हमने माइनस का डी बाई ए रख दिया। यहाँ पर माइनस माइनस कटेगा और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, यानी कि हम कर सकते हैं माइनस से माइनस काट दिया और ए को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर लिया, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी।